गुड मॉर्निंग बच्चों, पिछली क्लास के अंदर हमने नेक्स्ट टॉपिक, मैंने आप लोगों को समझा दिया था कि संविधान को प्रचलन में लाने का क्या तरीका है। उसके अंदर मैंने आपको ये बताया था कि संविधान किन लोगों के द्वारा बनाया गया था, वो कैसे अस्तित्व में आया था, उसी के कारण उसकी सफलता जो होती है वो निर्भर होती है। अगर संविधान का निर्माण निष्प्रभावी और अलोकप्रिय नेताओं के द्वारा या सैनिक शासकों के द्वारा अगर संविधान बनाया जाता है तो वो कुछ ही समय के अंतर्गत समाप्त हो जाता है। लेकिन अगर सफल संविधानों की बात की जाती है तो भारत और दक्षिण अफ्रीका के संविधानों को उसके अंतर्गत रखा गया है, क्योंकि हमारा जो संविधान है वो लोकप्रिय नेताओं के द्वारा निर्मित किया गया था। तो ये टॉपिक जो था ये हमने देख लिया था। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आता है वो आता है संविधान के मौलिक प्रावधान। देखिए, पिछली जो क्लास थी सेम जो बात उसमें कही जा रही थी कि संविधान की सफलता के लिए ये ज़रूरी है कि उसका निर्माण सही लोगों द्वारा या लोकप्रिय लोगों द्वारा किया जाए, वैसे ही ये टॉपिक जो है वो भी हमको यही चीज़ क्लियर करना चाह रहा है कि संविधान के अंतर्गत जो भी मौलिक प्रावधान किए जाते हैं अगर वो जनता के हितों में होते हैं, जनता के कल्याण के लिए होते हैं, तो उससे संविधान की सफलता निर्भर होती है। लेकिन अगर संविधान में असमानता पूर्वक कोई प्रावधान किए गए हैं या कुछ लोगों को विशेष अधिकार दिए गए हैं या उत्पीड़न करने का अधिकार अगर संविधान देता है तो उस संविधान के प्रति लोग जो हैं वो आदर की भावना या सम्मान की भावना नहीं रखते हैं, और वो जो संविधान होता है वो एक सफल संविधान की श्रेणी में नहीं आता। इसलिए जब भी संविधान में कोई प्रावधान किए जाएं तो उसके अंतर्गत लोगों की समानता को ध्यान में रखा जाना चाहिए। ऐसे प्रावधान नहीं होने चाहिए जिसमें कोई एक वर्ग दूसरे वर्ग का उत्पीड़न कर रहा हो या संविधान उसको ये सहमति दे रहा हो। तो अगर हम चाहते हैं कि संविधान सफल रहे, लोग उसका आदर करें, उसका सम्मान करें, तो उसके लिए ये ज़रूरी है कि जो भी प्रावधान संविधान में अपनाए जाएं वो समानता कायम करने वाले होने चाहिए। ठीक है, इस टॉपिक को मैंने कुछ पॉइंट्स के अंदर मेंशन किया है जिससे आपको ये इजी गोइंग समझ में आ जाएगा। तो देखो, सबसे पहली चीज़ क्या है, एक सफल संविधान सभी नागरिकों के साथ समानता रखता है। वही चीज़ मैंने आपको बताई कि संविधान की सफलता के लिए ये ज़रूरी है कि संविधान के अंतर्गत हर नागरिक के साथ समानता का व्यवहार किया जाए। अगर आप इसको देखो भारत के दृष्टिकोण से देखते हो तो पहले क्या होता था, नागरिकों के साथ जो है धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग आदि के आधार पर बहुत अधिक भेदभाव किया जाता था। लेकिन वर्तमान समय की अगर अपन बात करें तो संविधान के द्वारा नागरिकों को समानता का अधिकार दिया गया है। अब हर नागरिक क्या है, समान है। आप किसी भी आधार पर उसके साथ किसी भी प्रकार का कोई भी भेदभाव जो है वो नहीं कर सकते हो। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि संविधान जो है उसने हमें किसका अधिकार दिया है, समानता का अधिकार दिया है। और इस समानता के अधिकार के कारण ही आज हम क्या करते हैं, अपने भारत के संविधान का सम्मान करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो चीज़ आती है, नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो आता है, यदि संविधान बहुसंख्यक वर्ग को अल्पसंख्यक वर्ग के उत्पीड़न की अनुमति देगा तो उसका आदर नहीं होगा। मतलब अगर संविधान में ऐसा प्रावधान किया गया है जिसमें बहुसंख्यक वर्ग जो है, बहुसंख्यक जिनकी संख्या अधिक होती है, अगर वो वर्ग जो है वो अल्पसंख्यकों के उत्पीड़न की अनुमति देता है, संविधान जो है वो ये अनुमति दे रहा है बहुसंख्यक को कि आप अल्पसंख्यक वर्ग जो है उसका क्या कर सकते हो, उसका उत्पीड़न कर सकते हो, तो ऐसे संविधान के प्रति लोगों का आदर जो है वो नहीं रहेगा। धीरे धीरे उनका आदर जो है वो क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा।
इसीलिए संविधान के अंतर्गत ऐसा कोई प्रावधान नहीं होना चाहिए जिसमें वो बहुसंख्यक वर्ग को अल्पसंख्यक वर्ग के उत्पीड़न की अनुमति दे। मतलब सब वर्ग जो हैं वो समान होने चाहिए, कोई भी वर्ग ऐसा नहीं होना चाहिए जो दूसरे वर्ग का क्या करे, उत्पीड़न करे। ठीक है, नेक्स्ट, अन्य लोगों की तुलना में कुछ लोगों को ज़्यादा सुविधाएं दी जाती हैं तो जनता की निष्ठा समाप्त हो जाती है। अगर आप सभी वर्गों के साथ समानता का व्यवहार नहीं कर रहे हो, आप कुछ विशेष अधिकार दे रहे हो किसी वर्ग को, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, जनता जो है वो एक निष्ठा की भावना जो है वो नहीं रखेगी। जैसे पहले के टाइम पे हुआ करता था कि जो ज़मींदार लोग होते थे या जो सरकार को, ब्रिटिश सरकार को ज़्यादा टैक्स देते थे, या फिर जो रजवाड़ों के अंदर जो राजा वगैरह थे, उन लोगों को क्या था, विशेष अधिकार दिए गए थे। सामान्य नागरिक के साथ व्यवहार अलग किया जाता था और ये जो विशेष वर्ग थे इनके साथ अलग व्यवहार किया जाता था। तो जो जनता थी उनकी निष्ठा ब्रिटिश सरकार के प्रति नहीं थी। तो सेम यही चीज़ यहाँ पर है कि अगर संविधान जो है वो कुछ विशेष लोगों को विशेष अधिकार देगा, उनको ज़्यादा सुविधाएँ देगा, दूसरे को कम सुविधा देगा, तो हम लोग संविधान का आदर या उसका सम्मान नहीं करेंगे। धीरे धीरे वो चीज़ क्या होने लग जाएगी, ख़त्म होने लग जाएगी। इसलिए मेन चीज़ ये है कि संविधान के अंतर्गत हर व्यक्ति को जो सुविधा मिले वो समान होनी चाहिए। लेकिन कई बार आप देखते हो कुछ विशेष वर्ग है, जैसे कि महिलाएं हैं, बुज़ुर्ग हैं, विकलांग हैं, उनको राज्य विशेष सुविधा देता है, तो वो ज़रूरी है। उसको आप ये नहीं कहोगे कि ये समानता के अधिकार का उल्लंघन हो रहा है। वो चीज़ समानता के अधिकार का उल्लंघन नहीं है, बल्कि वो ज़रूरी है। ठीक है, और नेक्स्ट है, अतः संविधान द्वारा न्यायपूर्ण ढांचा उपलब्ध कराना तथा स्वतंत्रता और समानता देना ही उसकी सफलता है। तो अगर किसी भी देश के संविधान को सफल बनाना है तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होगी, कि वो एक ऐसा न्यायपूर्ण ढांचा उपलब्ध कराए जिसमें हर नागरिक स्वतंत्र हो, उसको समानता का अधिकार प्राप्त हो। अगर आपका संविधान इस प्रकार के प्रावधान कर रहा है, नागरिकों को स्वतंत्रता दे रहा है, उनको समानता उपलब्ध करा रहा है, तो वो संविधान निश्चित ही सफल होगा। और अगर वो विभेद कर रहा है, असमानता कायम कर रहा है, उत्पीड़न का अधिकार दे रहा है, तो उस संविधान की सफलता कुछ संदिग्ध हो सकती है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आपका जो टॉपिक है ये कंप्लीट हो गया है। थैंक यू।